जय हरिनाथ, ओम नमो शिवाय। मित्र थक गया से यार, कम कर तो बाद थके मैं, फिर नहाता नहाने तो बाद मखा थोड़ी धुप सेकी जाए तो शरीर की मालिश की जाए। मालिश के नाल नाल मतलब वो तो आप करनी ही नहीं मालिश, तो अपने भी शरीर की जरूर मालिश रखा करो। ठीक है, पर अज एक नवी चीज़ लेके पेश, मैं सोचा थोड़ा जहा फेशियल किया जाए, हफ्ते बाद कर लीजिए। फेशियल इदा नहीं कि फेशियल सिर्फ कमार दी इस डंडी ना स्टिक ऑफ एलोवेरा अपने फेस लिए बहुत वधिया भाई है, मॉइस्चराइजर बहुत वधिया है। ठीक है, फेस नूं बड़ा खूबसूरत बना, तुहाडे फेस चों छोटे छोटे धूल धप्पा सब चक दिंदा है, उठा देगा सब, बस आराम माणा इसके लिए। हफ्ते में एक दो बार इसकी जो फेशियल किया करो आप लोग, कैसे करते हैं यही तो बता रहा हूँ। जिस टेक है इतना काट लिया था, तो इसमें से देखिए 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 ये जो है एलोवेरा गुद कहते हैं इसको, और इसमें 95% पानी होता है एलोवेरा में, और 5% गुद होती है। और ये जो होती है ना ये वाली, इसे कहते हैं स्टिकी एलोवेरा जेल, ये है असल में। ठीक है, इसी से ही आपकी आप अपने फेस की फेशियल कर सकते हैं। कुछ नहीं लेना, सिर्फ एलोवेरा का एक स्टिक लो, उसको ऐसे इसकी ये स्टिकी निकालो, जेल निकालो पूरे इसको, ठीक है, ऐसे करके रगड़ो और अपने फेस पर लगाओ, ऐसे ऐसे। फेस की खूबसूरती के लिए बहुत बढ़िया है ये एलोवेरा जेल। आपको कहीं से प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें इन्हीं पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा बहुत बीमारियों को तोड़ है। ठीक है, जो फेस का भी काम आता है, और बाल झड़ते हो तब भी काम आता है, बालों में डैंड्रफ पड़ गई हो तब भी काम आता है। हाँ ऐसे हरिओम नमो शिवाय, इतनी बढ़िया नियामत है ये परमात्मा की, वाह। आपके फेस को खूबसूरत बनाए, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाती है पीने से। ठीक है, इसको लोग बहुत से लोग ऐसे एलोवेरा कहते हैं, परंतु हम इसको कुमार भी कहते हैं पंजाबी में। ये इसकी परत सी बन जाएगी आपके फेस पर। परत आपके फेस पर ऐसी बन जाएगी। बहुत मज़ा आ रहा है, फेस हल्का हो रहा है जैसे। हाँ, धूल के कण निकाल देता है ये फेस पे से, तो इसके ऊपर एक परत बन जाएगी। मॉइस्चराइजर अच्छा है ये,
फेस को खूबसूरती देने के लिए। देखिए लेडीज है जेंट्स है दोनों का अपना ये प्रयोग करते रहना चाहिए एलोवेरा का, खाने के लिए भी और इसको पीने के लिए भी और इसको फेशियल के लिए भी। देखिए वाह फ्रेश हो गया यार। अब थोड़ा सा बाल झड़ते हों या डैंड्रफ हो तो इसकी स्टिक ही निकालो, ऐसे ऐसे इसकी स्टिक ही निकालो। वैसे ही जो पहले मैंने आपको बताया था कैसे आपने इसकी स्टिक ही निकालो, ठीक है। और उसमें आप नारियल का तेल ले सकते हो, बादाम रोगन ले सकते हो और या फिर सरसों का तेल ले सकते हो बनाने के लिए। थोड़ा सा मिलाओ इसमें और इसको अपने बाल हल्के भी हैं तो भी ये बढ़िया काम करता है। अगर आपके बाल हल्के हैं तो इसको ऐसे तो आपके बाल जो बाल हैं वो भारी हो जाएंगे, टूटने कम हो जाएंगे। ओके और डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। हफ्ते में दो बार या तीन बार आप इसका प्रयोग किया करो फेस पर बालों पर, ठीक है। एलोवेरा का प्रयोग बहुत सी बीमारियों में बहुत होता है, जैसे शुगर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सुबह आप इसको चार चम्मच ले सकते हो ब्लड शुगर के लिए, ठीक है। और इम्यून सिस्टम के लिए इसका प्रयोग होता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए भी इसका प्रयोग, दो चार चमचे सुबह खाली पेट पिए उधर घंटा कुछ नहीं खाना पीना होगा। और फिर उसके बाद जैसे जो नामर्द हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती जा रही है उनके लिए कमार का एलोवेरा का प्रयोग किया जाता है, कर सकते हैं वो सुबह दो चार डाटे इसके चम्मच पीकर। और फिर जिनको थोड़े फुंसियाँ हो जाती है, ऐसी फुंसियाँ हो जाती है मच्छर वाली, ठीक है, तो इस पर भी इसका प्रयोग ऐसे रगड़ने के लिए किया जाता है, जिसके लिए भी रामबाण ऐसे। हाँ ठीक है, फुंसी हो खारिश हो उस पर भी एलोवेरा का प्रयोग हम लोग करते हैं और कर सकते हैं, और इसके लिए भी ये रामबाण है। देखिए मच्छर भी लग जाता है ना कभी कभार, तो मच्छर से थोड़ी सी फुंसी हो जाती है ऐसे ऐसे या खारिश होने लगती है, तो उसके लिए भी एलोवेरा का प्रयोग हम इस पर लगा कर ही करते हैं। लगाओगे तो ये फुंसी खत्म हो जाएगी इसी से, आपको कोई दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भागते हैं दवाई की ओर, परंतु मैं कोई दवाई की और नहीं भागता, मैं ये आयुर्वेदिक इलाज का करता हूँ और एलोपैथी ज़्यादा देखिए नेचुरपैथी ज़्यादा यूज करता हूँ, नेचुरपैथी, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है वो गठिया के लिए भी होता है, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम आ जाती है उसके लिए भी होता है इसका प्रयोग, खास करके कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है, शुगर के लिए होता है, सोराइसिस जो चमड़ी की रोग है जिनको उसके लिए होता है, और जिनको पेट के अल्सर हो जाते हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एलोवेरा एक बहुत बढ़िया खूबसूरत
प्रकृति का एक ऐसा नियामत है कि जिसका प्रयोग आप खाने के तौर पर भी कर सकते हो, इसका जूस पीने के तौर पर भी कर सकते हो और इसको लगाने के तौर पर भी कर सकते हो। अगर ये पूरी की पूरी डंडी खत्म कर दी मैंने, देखिए नेचर पैथी के साथ जुड़े रहो हमेशा, ठीक है, अपने आप को बीमारियों से दूर रखो, योगा करो 5 इंद्रियां लगाकर करो, मेडिटेशन करो 5 इंद्रियां लगाकर करो और अपने काम पर ध्यान दो 5 इंद्रियां लगाकर करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है, मन को प्रसन्न, शरीर को निरोग रखो, स्ट्रेस से हमेशा दूर रखो और आगे बढ़ते रहो, धूप में रहो ज़रा, नेचर के साथ जुड़े रहो, नेचर लवर बने रहो हमेशा। किसी चीज़ को अपनी कमजोरी मत बनाओ, जो तुम्हारी कमजोरी है वही तुम्हारा आलसपन बन जाएगा एक दिन और वही तुम्हारी बीमारियों का कारण बनेगा। किसी चीज़ को पर अपने शरीर को मत पालो, किसी चीज़ को अपने शरीर की कमजोरी मत बने, आलस मत करो लाइफ में, आलस एक बीमारी है, वो सबसे बड़ी बीमारी यही आलसी है, आलस की ही वजह से तुम्हारे जीवन में इतनी बीमारियाँ उजागर हो जाती हैं कि तुम जिस पर काबू पाते पाते समा निकल जाता है परंतु वो आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए आलस को त्यागो, परमपिता परमात्मा से जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो और अपने आप से जुड़ो और सब से जुड़ो, पूरी कायनात से जुड़ो, जो कायनात तुम्हारी है, सूर्य तुम्हारा है, समंदर तुम्हारा है, जो धरती तुम्हारी है, जो आबो हवा तुम्हारी है। जय हरे नाथ, ओम नमो शिवाय।